हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। आई एम श्वेता। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का रीजनिंग पेपर जो आपका कंडक्ट हुआ था 29th of March 2016 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। सो यहाँ पे फिगर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला शेडेड पार्ट जो है यहाँ पे आ रही है, ये अनशेडेड सर्कल यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल एंड स्क्वायर है वो ऐसा का ऐसा ऊपर आ गया। सो इसी तरह हम यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पे जो है ट्रायंगल यहाँ पे नीचे आ जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे आ जाता, एंड ऊपर का शेडेड सर्कल एंड अनशेडेड सर्कल जो है यहाँ आ जाएगा। सो इस तरह जो है आपका बनने वाला है फिगर। तो यहाँ पे देखा जाएगा, अब तक ऑप्शन नंबर 1 में ऐसा नहीं है, 2 में भी नहीं है, और 3 में जो है ऐसा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में देखो, इन अ सर्टन कोड 592 का मतलब होती है ग्रेप्स आर स्वीट, एंड 374 का मतलब होता है आई लाइक ऑरेंजेस, एंड 267 का मतलब यहाँ पे क्या होती है, ऑरेंजेस आर सोर। सो यहाँ पे हमको बोल रहे हैं कि सोर का नंबर बता दो। अभी सोर तो यहाँ पे भी गिवन नहीं है, यहाँ पे भी गिवन नहीं है, तो ओनली यहाँ पे गिवन है। तो नहीं, तो यहाँ पे ऑरेंजेस एंड आर है, ऑरेंजेस तो यहाँ पे गिवन है, आर यहाँ पे यूज़ किया गया। सो यानी यहाँ पे जो 3 नंबर्स है 267, तो यहाँ पे 2 नंबर्स जो है ये दोनों में यूज़ किया गया है, और एक नंबर हमको निकालते हैं तो हमारा सोर का डिजिट जो है आ जाता। सो हमने देखा, सो यहाँ पे 2 देखते हैं, पहले 2 जो है यहाँ पे गिवन है यहाँ पे, तो ये हट गया। 6 देखते हैं, 6 तो यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ये हो सकता है। और 7 देखते हैं, यहाँ पे 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे भी यहाँ नहीं है। यानी हमको 2 एंड 7 जो है ये दोनों में बन रहे हैं, कि नहीं 6 नंबर जो है कहीं पे भी नहीं बन रही है। तो ऑप्शन नंबर सी 6 जो है हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, एंड सोर का डिजिट है ये, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, assertion एंड रीज़न है यहाँ पे ए में। देखो, प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो बोल रहे हैं, अभी इसका रीज़न देखते हैं, ये रीज़न करेक्ट है या नहीं है हमको जानना है। शुगर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये तो ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बोल रहे हैं, ना कि एनर्जी या फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो ये इसका असली रीज़न तो नहीं है, बट रीज़न जो है करेक्ट है, यानी रीज़न जो है ये सेंटेंस करेक्ट है, बट इसका रीज़न नहीं है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एंड आर जो है करेक्ट है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऐसा ही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट, इन अ सर्टन कोड लेमन इज कोडेड एज इन सच अ वे, शर्ट को कैसे कोड किया जाएगा ये हमसे पूछ रहे हैं। तो अभी देखो, एल का ऑपोजिट जो है वो ओ हो जाएगा, ओ का नंबर यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे 15 प्लस 1 करते तो हमको 16 आ जाता, हाँ कि नहीं। 16 का अल्फाबेट पी हो जाएगा, ऐसे ही हम ई का देखते, ई का ऑपोजिट होती है वी, वी का नंबर यहाँ पे हो जाएगा 22, 22 प्लस 1 किया तो हमको आ गया 23, यानी डब्ल्यू आ जाता है, यहाँ पे डब्ल्यू हो गया। तो ऐसे ही हम फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स देखते हैं, शर्ट से इसका ऑपोजिट हैच होती है, हैच का नंबर 8 होता है, 8 प्लस 1 किया तो हमको 9 आ जाता है, 9 का अल्फाबेट यहाँ पे आई हो जाता है। इसी तरह हमने हैच का किया, हैच का ऑपोजिट यहाँ पे एस होती है, एस का नंबर 19 होती है, प्लस 1 किया तो हमको 20 हो जाता है, टी का 20 टी आ गया, यानी आई एन टी आएगा पहले। तो हमने ऑप्शन चेक किया तो ऑप्शन नंबर 1 में हमको आई एन टी गिवन है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पे देखो, सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव दैट शोज अ सिमिलर रिलेशनशिप एज अ गिवन पेयर। सो यहाँ से हमने देखा, सो यान है फैब्रिक है, फैब्रिक जो है यान से ही बनाया जाता है कि नहीं। तो अभी हम ऑप्शन नंबर ए में देखा, तो रूट है, ट्री है, रूट है, ट्री है, ट्री का जो पार्ट है वो हो जाती है यहाँ पे रूट। अभी हार्ट एंड बॉडी गिवन है, बॉडी का जो पार्ट है ऑर्गन है वो हो जाता है हार्ट है कि नहीं। अभी इंक एंड पेन, इंक के सॉरी पेन के अंदर जो है हमारा इंक रहता है, राइट। सो यहाँ पे मेटल एंड स्वॉर्ड है, मेटल से ही स्वॉर्ड जो है बनती है। तो इस तरह जो है इसका सेम इसी तरह का जो है रिलेशन बन रही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ सही आंसर हो जाएगा, राइट।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द ऑड वन आउट, यहाँ पे हाइड्रोजन है, सल्फ्यूरिक एसिड है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला हो जाता है क्या, H2SO4 हो जाता है, राइट। सो यहाँ पे हाइड्रोजन तो यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला में गिवन है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में देखो क्लोरीन है एंड सॉल्ट है, राइट। तो सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे NaCl हो जाता है, यहाँ पे क्लोरीन है, हाँ कि नहीं। सो ये हो गया। अभी सी में देखो वाटर एंड ऑक्सीजन है, वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला हो जाती है क्या, H2O। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है यहाँ पे है, हाँ कि नहीं। सो नेक्स्ट डी में देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला हो जाता है H2Cl, इसमें तो नाइट्रोजन नहीं बन रही है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ से ऑड वन आउट एंड सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी का मतलब क्या बोल रहे हैं, डिवीजन। क्यू का मतलब प्लस है, आर का मतलब माइनस, एस का मतलब इनटू है। तो इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो चलिए करते हैं। इसको कैसे करना है, हमने किया 10। आर का मतलब यहाँ पे माइनस 192 है, 192 पी है, पी का यहाँ पे डिवीजन है 48 है, एस है, एस का मतलब यहाँ पे इनटू है, देन अगेन 48 है, अगेन पी एंड 96 एंड क्यू का मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस 1 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से हम डिवीजन को पहले करना है, तो हम क्या करते हैं 192 अपन 48 किया। सो इसको क्या करते हैं, 4 से कट करेंगे, पहले 4 1 4, 4 2 8 हो गया, यहाँ पे 4 4 16 एंड 4 8 32 आ गया। तो हम 12 से कट करेंगे, 12 1 12 4 हो गया यहाँ पे, राइट। सो हमको कितना आ गया, यहाँ पे 4 जो है आ गया, हाँ कि नहीं। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 माइनस 4 इनटू, अभी 48 अपॉन 96 किया तो हमको कितना आ जाता, 1/2 आ जाता, हाँ कि नहीं। सो 2 1 2 2 कट किया हमने, इसको प्लस 1 के लिए तो हमको कितना आता, 10 माइनस 2 प्लस 1 आ जाता, हाँ कि नहीं। सो यहाँ से हमको क्या आ जाता है, 11 माइनस 2 करेंगे तो हमको कितना आ जाता, 9 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है आपका टेनिस प्लेयर्स है, रेक्टेंगल हॉकी प्लेयर्स है, सर्कल चेस प्लेयर्स है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ नॉन चेस प्लेयर्स इज हाउ मच मोर देन द प्लेयर्स हु प्ले बोथ चेस एंड टेनिस। तो यहाँ पे चेस एंड टेनिस का प्लेयर्स का जो है नंबर नॉन चेस प्लेयर्स से कितना ज़्यादा है, ये पूछ रहे हैं। अभी चेस एंड टेनिस का नंबर पता करते हैं। चेस होता है आपका सर्कल और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टेनिस, टेनिस का यहाँ पे ट्रायंगल। तो इन दोनों के बीच में जो बन रही है इनका प्लस करना है। तो हमने क्या किया, 11 प्लस 10 प्लस 14 किया तो हमको यहाँ से आ जाता कितना, 35। तो नॉन चेस प्लेयर्स, चेस प्लेयर्स, नॉन चेस प्लेयर्स कौन होते हैं। तो यहाँ से सर्किल को हटा दो और बचा हुआ बाहर का नंबर काउंट करना है। तो यहाँ पे 20 20 प्लस 5 25 30 यहाँ से एंड 35। सो ये भी 35 बन रही है, वो भी 35 बन रही है, दोनों ही सेम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इट सेम बन जाएगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टेनिस प्लेयर्स हु डू नॉट प्ले हॉकी, हु आर नॉट हॉकी प्लेयर्स बोल रहे हैं। द नंबर ऑफ टेनिस प्लेयर्स, टेनिस प्लेयर्स हु आर नॉट हॉकी प्लेयर्स। सो यहाँ पे हॉकी प्लेयर्स देखते हैं, हु आर नॉट हॉकी प्लेयर्स चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको हटा दिया यहाँ से, हाँ कि नहीं। अभी टेनिस प्लेयर्स चाहिए बाहर का, टेनिस का यहाँ पे जो है ट्रायंगल है, ट्रायंगल यहाँ पे देखो ये बन जाएगा, ये वाला और ये वाला, बीच वाला हमने यहाँ पे हटा दिया। तो यहाँ पे ये हो जाता 16, ये हो जाता कितना, 19 प्लस 16 किया तो हमको कितना आ जाता है, 1 एंड 5 एंड ये भी आ गया हमको 35 यहाँ से, हाँ कि नहीं। सो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे 35 सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ हॉकी प्लेयर्स टू चेस प्लेयर्स इज हाउ मच। हॉकी प्लेयर्स एंड चेस प्लेयर्स का रेशियो बता दो, ये बोल रहा है। चेस प्लेयर्स यहाँ पे हॉकी का देखो पहले रेक्टेंगल में है, इसके अंदर जो भी है इसको काउंट कर लेते हैं, हमको कितना बनता, 20 प्लस कितना आ गया, 20 प्लस 15
20, 30, 35, 45, देन ये कितना हो गया 50 एंड ये 5 हो गया 55. सो ये हॉकी प्लेयर जो है 55 बन रहे हैं. चेस प्लेयर्स देखते हैं अभी. अभी चेस प्लेयर्स देखो, चेस का सर्कल के अंदर कितने आते हैं, उन सबको प्लस करनी है. तो हमने क्या किया, 11 + 13 + 2 + 3, 3 + 12 किया, देन 12 + 14, 14 + 6 एंड 6 + 15, 15 + 4 किया. तो हमको कितना आ जा रहा है, यहाँ पे 90 बन रही है. तो यहाँ पे ये दोनों रेशियो के अंडर है. तो हमने इसको 5 से काटा, 5 11 एंड 5 18 जो है ये आ जाता है. 11:18 जो है हमको यहाँ पे बन रही है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो यहाँ पे देखो, बी से एफ तक जाने के लिए फाइंड द मिसिंग नंबर है. यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे हमको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करनी है. सो हम बी से, बी का नंबर 2 होती है, एफ का नंबर 6 होती है. बी से एफ तक जाने के लिए हमको करना पड़ रहा है प्लस का 4. सो यहाँ से हमने क्या किया, एन से आर को देखा तो बी हमको करना पड़ रहा है प्लस 4. आर से वी तक जाने के लिए भी हमको 18 से 22 तक जाने के लिए भी हमको बन रहा है प्लस 4. तो यहाँ से हमने क्या किया, एफ प्लस फोर किया, यानी 6 + 4 किया. तो हमको कितना आ रहा है, यहाँ से 10 आ जाता है. 10 का अल्फ़ाबेट जो है जे यहाँ से बन रही है. सो अभी हमने क्या किया, नेक्स्ट सी से जी तक जाने के लिए, यानी 3 से 7 तक जाने के लिए भी हमको प्लस 4 करना पड़ रहा है. हमने क्या किया, 7, यानी जी का नंबर 7 से भी हमने क्या किया, प्लस 4 किया. 7 + 4 किया तो हमको कितना आ जाता है, यहाँ पे 11 का के, यानी यहाँ पे जे के आ जाता है फर्स्ट. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में हमको जे एंड के बन रहे हैं. तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, राइट. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इफ़ द मैथमेटिकल ऑपरेटर, प्लस का मतलब डिवीजन है, माइनस का मतलब प्लस है, डिवीजन का मतलब इनटू, इनटू का माइनस, सॉरी इनटू का मींस माइनस. सो यहाँ पे करके देखते हैं, 17 है, 17 का माइनस है, माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है, राइट. सो यहाँ पे 7 है, डिवीजन है, डिवीजन का मतलब यहाँ पे हो गया इनटू, एंड 27 है, 27 यहाँ पे प्लस है, प्लस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, डिवीजन हो गया यहाँ से. एंड 3 है, 3 इंटू है, इंटू का मतलब यहाँ पे माइनस, 79 जो है यहाँ से बन रही है. सो हम पहले डिवीजन करती है, 27 माइनस 3 कितना हो जाता है, यहाँ पे 9 हो जाता है. 3 9 27 27 9 आ गया, यहाँ से 7 × 9 किया तो हमको 63 आ गया. हम क्या करते हैं, 63 + 17 किया तो हमको कितना आ जाता है, 80 जो है यहाँ से आ गया. 80 - 79 किया तो हमको = में आ गया 1, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे यहाँ से सही आंसर बनेगा, राइट. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे देखो, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज, प्लेट को ऐसे कोड किया, शॉक को कैसे कोड किया जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन. सो यहाँ से क्या किया, पी है यहाँ पे, पी का प्लस 13 किया तो हमको आ गया सी, एल का प्लस 13 किया तो हमको आ गया वाई, ए का प्लस 13 किया तो हमको आ गया एन, टी का प्लस 13 किया तो हमको आ गया जी, ई का भी प्लस 13 किया तो हमको आ गया आर, राइट. सो इस तरह जो है प्लस 13 किया गया. सो हम यहाँ पे शॉक का भी, एस का प्लस 13 किया तो हमको आ जाता एफ, हेज का प्लस 13 किया तो हमको आ जाता यू, एंड ओ का प्लस 13 किया तो हमको आ जाता बी, सी का भी प्लस 13 करेंगे तो हमको कितना आएगा, पी आ जाता, देन के का भी प्लस 13 किया तो हमको कितना आ जाता, एक्स आ जाता है, राइट. तो इस तरह जो है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, राइट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे देखो, टी इज ग्रीन. सो यहाँ पे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन है. स्टेटमेंट देखो, टी इज ग्रीन, कॉफ़ी इज ब्राउन एंड मिल्क इज वाइट, मोर देन हाफ ऑफ द टाउन लाइक्स टी, हाफ ऑफ द टाउन को टी अच्छी लगती है, पीपल हु लाइक वाइट डोंट लाइक ग्रीन, एंड सम पीपल हु लाइक ब्राउन डोंट लाइक वाइट, राइट. सो यहाँ पे कंक्लूजन देखते हैं, ग्रीन इज मोस्ट पॉपुलर इन द टाउन. सो यहाँ पे देखो, ग्रीन इज टी, ग्रीन टी जो है वो ग्रीन कलर में है, और मोर देन यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट में देखो, मोर देन हाफ ऑफ द टाउन जो है टी को पसंद करती है, इसका मतलब ये ही हुआ ना, ये पॉपुलर है. तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही आंसर हो गया, कंक्लूजन 1. सो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, देर इज एटलीस्ट वन कॉफी ड्रिंकर हु डजेंट लाइक के बारे में यहाँ पे तो बताया ही नहीं, तो ये हो गया गलत. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यानी कंक्लूजन ओनली 1 फॉलोज, तो ऑप्शन ए विल बी आर राइट आंसर, राइट. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है,
सो यहाँ पे इंग्लिश में बनाया, यहाँ पे देखो फाइंड आउट दैट शोज द सेम रिलेशनशिप एज टाइगर एंड कब. टाइगर का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं कब, हाँ कि नहीं. अभी एलिफेंट का बच्चा को काल्फ नहीं बोलते हैं तो ये हो गया गलत. डॉग का पप्पी बोलते हैं तो ये हो गया गलत. लेपर्ड का कब बोलते हैं और किटन बिल्ली का हो गया, ये हो गया गलत. और डीर डीर का काफ, ये सही हो गया. ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे यहाँ सही आंसर हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पे नेक्स्ट, सो यहाँ पे हमको क्या करनी है, इसको सीक्वेंस में अरेंज करनी है. सो हमने यहाँ पे देखा तो सारे ऑप्शन में सारे सिक्स है. सो यहाँ पे सिक्स देखते हैं, यानी पहला वाला हो गया आपका सिक्स, तो गोपू हो गया. देन उसके बाद सेकंड में देखा तो दोनों में एट है, दोनों में नाइन है. तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, एट को रख के देखते हैं. एट को रख के देखा तो गोपू इज ऑल्सो, यहाँ पे देखो एट को रख के देखा, इज ऑल्सो किसके लिए बोलते हैं, इज ऑल्सो पहले कुछ है तो उसके बाद इज ऑल्सो बोलते हैं. तो ये यानी एट नंबर का ये दोनों हो गए यहाँ से गलत. सो यहाँ पे नाइन चेक करते हैं, नाइन तो सही हो गया बिकॉज यहाँ पे ओनली टू ऑप्शन जो है यहाँ पे बचे हैं. तो यहाँ पे देखो, गोपू इज अ ग्रेट राइटर इज, एंड यहाँ पे ग्रेट राइटर एंड इज ऑल्सो ए फेमस मैथमेटिशियन. यानी यहाँ पे क्या बन रही है आपके, सिक्स बन रहा है पहले, देन नाइन बन रही है, देन फाइव एट एंड सेवन बन रही है, राइट. ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ से, राइट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से. सो यहाँ पे देखो, इन द गिवन सीरीज हाउ मेनी सेवन्स आर प्रेजेंट विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाई नाइन एंड डोंट हैव फाइव बिफोर देम. सो यहाँ पे एक सीरीज है तो यहाँ से हमको ऐसा चाहिए सेवन, जब फाइव जो है सेवन से पहला होना चाहिए, सेवन से फाइव आना चाहिए, राइट. समझ रहे हो ना. तो यहाँ पे पहले कितने सेवन है देखते हैं. तो यहाँ से देखा तो हमको कितने सेवन, यहाँ पे सेवन है, सेवन 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 एंड सेवन एंड सेवन. सो यहाँ पे कितने सेवन है जिसके पहले फाइव है, तो यहाँ पे ये सेवन ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, ओनली दो सेवन है जिसके पहले फाइव आ रहा है. तो ऑप्शन नंबर टू जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राइट. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. सो यहाँ पे देखो, पर्क को जो है इस तरह जो है कर्ड किया गया, ब्लैक एंड को इस तरह कोड किया गया. सो इसका क्या है बोल रहा है, राइट. सो यहाँ पे सेवन है, सेवन यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ पे सेवन है तो यहाँ पे देखो वन टू थ्री फोर्थ है, पीछे से फोर्थ है. तो यहाँ पे हमने क्या किया, वन टू थ्री यानी सी बन रही है, यहाँ से सी बन रहा है फोर्थ. सो उसके बाद थ्री है, यहाँ से थ्री है यानी आर आ जाएगा यहाँ से. एंड वन यहाँ पे वन है, सो ये हो गया ए. एंड अगेन सेवन है, सेवन का मतलब हो गया सी. अगेन एट है, एट का मतलब हो गया यहाँ पे के. अगेन नाइन है, नाइन का मतलब यहाँ पे एल है, नाइन का मतलब यहाँ पे एल हो गया. अगेन सिक्स है, सिक्स का मतलब यहाँ पे ई हो गया, यानी क्रैकल है. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही बन रही है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर राइट आंसर. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करण्स नंबर इन द क्यू इज ट्वेल्थ फ्रॉम द काउंटर. करण जो है ये वाला क्यू में ट्वेल्थ है. एंड दे आर फाइव पीपल बिटवीन करण एंड सुनील. सुनील जो है यहाँ पे है, यहाँ पे बीच में वन टू थ्री फोर फाइव मेंबर्स है. सो व्हाट इज सुनील्स नंबर इन द क्यू. सो यहाँ पे ट्वेल्व हो गया, ये थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन हो गया, एंड ये एटीनथ. एटीनथ विल बी आर राइट आंसर. ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो थ्री है, फोर है, सिक्स एट ट्वेल्व देन क्वेश्चन मार्क एंड एटीन. सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, टू एक प्राइम नंबर है, यहाँ पे टू एक प्राइम नंबर है, प्लस वन किया तो हमको आ गया थ्री. अभी टू के बाद आने वाला प्राइम नंबर, यहाँ पे थ्री प्लस वन किया तो फोर आ गया. इसके बाद फाइव प्राइम नंबर है, फाइव प्लस वन किया तो हमको यहाँ पे सिक्स आ गया. देन नेक्स्ट यहाँ पे प्राइम नंबर आ जाएगा सेवन, हमने क्या किया सेवन प्लस वन किया तो एट आ गया यहाँ पे, राइट. नेक्स्ट आने वाला यहाँ पे प्राइम नंबर कौन सा है, इलेवन प्लस वन किया, इलेवन इलेवन प्लस वन, देन आ गया ट्वेल्व. देन इलेवन के बाद आने वाला प्राइम नंबर यहाँ पे हो जाएगा क्या, थर्टीन. थर्टीन प्लस वन किया तो हमको कितना आ जाता है, 14 आ जाता है. तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो यहाँ पे देखो, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन है. यहाँ पे देखो, ऑल कॉमेडियंस, कॉमेडियंस जो है वो है हीरोज. एंड नेक्स्ट, ऑल हीरोज आर आर्टिस्ट.
सो यहाँ पे कंक्लूजन देखो, ऑल कॉमेडियंस आर आर्टिस्ट. सो यहाँ पे अंदर से बाहर जाते टाइम ऑल फॉलो होती है और सम फॉलो होती है. तो यहाँ पे ऑल फॉलो हो रहा है तो ऑप्शन कंक्लूजन वन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा. एंड सेकेंड कंक्लूजन देखो, सम हीरोज आर कॉमेडियंस, सम ऑफ द हीरोज जो है वो है कॉमेडियंस. यहाँ पे है बाहर से अंदर, यानी बाहर सर्किल से अंदर सर्किल आते टाइम यहाँ पे ओनली सम फॉलो होती है. तो यहाँ पे ओनली सम बोला गया तो ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट हो गया. तो यहाँ पे दोनों जो है कंक्लूजन सही है. तो यहाँ पे 3 बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राइट. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अगेन स्टेटमेंट इन कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन है. सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑल द कप्स आर बाउल्स, ऑल द कप्स जो है वो है बाउल्स है यहाँ पे. देन नेक्स्ट, ऑल बाउल्स आर स्पूंस, ऑल द बाउल्स जो है वो है स्पूंस. सो यहाँ पे कंक्लूजन देखो, सम कप्स आर नॉट स्पूंस. यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे सारे पॉजिटिव बोले गए तो नेगेटिव यहाँ पे गलत हो जाएगा. एंड सम स्पूंस आर कप्स, सम ऑफ द स्पूंस जो है वो है कप्स. यानी बाहर सर्कल से अंदर सर्कल तक आते टाइम सम जो है फॉलो होती है. तो ये हो जाएगा सही. तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट. सो यहाँ पे देखो, फाइंड द ऑड वन आउट है. ये कैसे है ऑड वन आउट, यहाँ पे सी का नंबर हो जाएगा 3, डी का नंबर हो जाएगा 4 एंड जी का नंबर हो जाएगा 7 एंड एक्स का नंबर हो जाएगा 24. सो ये तीनों जो है सिंगल डिजिट का अल्फाबेट्स है. तो यहाँ पे ये 24 है, 2 डिजिट्स है इसका. तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे यहाँ सही आंसर हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो यहाँ पे देखो, फिगर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है. यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे आने वाले जो यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क के, कौन सा फिगर जो है आने वाला है. सो यहाँ पे देखो ऐसा कुछ है. सो इसमें क्या किया गया, ये तीनों डॉट्स को ऐसे रख दिया और ये ऐसा उल्टा हो गया. सो इसी तरह यहाँ पे देखो सेम ऐसा है और यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को छोड़ के ये हो जाएगा ऐसे, राइट. ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, यहाँ पे ऑड वन आउट करनी है. तो यहाँ पे देखो सारे क्लॉक्स जो है यहाँ पे 90 डिग्रीज में है, हाँ कि नहीं. सो यहाँ पे ए बी सी जो है 90 डिग्रीज में है, हाँ कि नहीं यहाँ पे. तो ऑप्शन नंबर डी में देखो, यहाँ पे डी फिगर में ये 90 डिग्रीज का नहीं बन रहा है तो ये हो जाएगा आपका ऑड वन आउट. सो ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन डी एंड यहाँ पे सेकंड वन विल बी आर राइट आंसर, राइट. तो नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पे. सो यहाँ पे देखो, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड है. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं स्टेटमेंट में, शुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अलाउ द स्टूडेंट्स टू जॉइन स्टूडेंट यूनियंस दैट आर स्पॉन्सर्ड बाई पोलिटिकल पार्टीज. तो इनको ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है. तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में क्या बोल रहे हैं, नो द डिसीशन विल पॉलिटाइज द एजुकेशनल एनवायरमेंट एंड द इंस्टीट्यूट. ये बोल रहे हैं, ये तो सही है ना. तो यहाँ पे सेकेंड में देखो, यस द डिसीशन विल हेल्प स्टूडेंट्स नरिश द टैलेंट एंड डेवलप into future political leaders. यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 भी हमको सही लग रही है, सेकेंड 1 भी सही लग रही है. तो हम क्या मार्क करेंगे, बोथ आर्ग्यूमेंट्स 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग, राइट. सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन. यहाँ पे नेक्स्ट वन क्या है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट अगेन. सो यहाँ पे शुड द गवर्नमेंट शट डाउन ऑल द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस टू एड्रेस द मिसयूज ऑफ फंड्स. तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स क्या गिवन है, यस पब्लिक फंड्स विल बी सेव्ड बाई शटिंग डाउन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. क्या हम सारे शट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये हो गया आपका गलत. सो यहाँ पे नो सर्विसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैनॉट बी हैंडेड ओवर टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. हाँ कि नहीं, हम प्राइवेट में नहीं दे सकते. तो ये हो गया आपका थोड़ा सही लग रहा है, यानी पूरी तरीके से सही नहीं है, थोड़ा इधर और का भी लग सकता था यहाँ पे. तो इसको थोड़ा स्ट्रांग लग रही है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट. सो इससे हमारे जो है सारे क्वेश्चंस ख़त्म होती है. आपका मेरी सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग. बाय बाय.